Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين صدق الله المولانا العظيم. मेरे मोहतरम दोस्त बुज़ुर्ग, एक दो मसाइल और भी मैं बताना चाहता हूँ कि कुर्बानी की हिस्से पूरे गाय दो हिस्सादार भी कर सकते हैं या सात हिस्सादार होना ज़रूरी है, दो तीन हिस्सादार भी कर सकते हैं लेकिन उनमें से हर एक का हिस्सा एक से कम ना हो, यानी तीन बंदा हो तो एक हिस्सा ले ली दो ने, बाकी एक को पांच हिस्सा लेना, सात हिस्सा होता है। और तीन बंदे अगर ये कहे कि भाई हम लोग दो दो हिस्सा लेंगे तो एक हिस्सा बाकी है, तो ये कैसे होगी? लेकिन ये देखना है कि हिस्सा एक पूरा लेना पड़ेगा, दो ने दो दो हिस्सा लिया, एक तीन हिस्सा लेंगे, आधा हिस्सा तो हो ही नहीं सकता है। अगर ये कहे हम दो मिलके एक हिस्सा ले लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। अब ये करेंगे भाई दो दो हिस्सा ले ली, दो ने दो हिस्सा, चार हिस्सा हो गए, बाकी रहते तीन हिस्सा एक बंदा ले ले। मुश्तरका खरीदा हुआ बकरा कुर्बानी करना, लेकिन जो खरीदे हैं पांच छह बंदा मिलके एक बकरा खरीदे, और ये बकरा का तो एक ही हिस्सा है, दुम्बा का भी एक हिस्सा है, मेंढा भी एक हिस्सा है, अब करे तो क्या करे? तो अब ये कहें भाई एक काम करो, क्या हमने पांच बंदे ने ये कुर्बानी के लिए बकरा लिए हैं तो हुजूर पाक के नाम पे कुर्बानी किया, हुजूर पाक की जानिब से हम कुर्बान कर देते हैं, तो ये कुर्बानी सही है, दुरुस्त हुई या नहीं? सही है, दुरुस्त है या नहीं? कि पांच बंदे ने लिए बकरा खरीदा है, क्या अल्लाह के रसूल के जानिब से हम कुर्बानी कर देते, ये दुरुस्त नहीं हुई। अलबत्ता अगर कोई एक शख्स पूरा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कुर्बानी करे तो सही होगा, क्योंकि ये नफली कुर्बानी बराए ईसा अलैहि सवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। असल कुर्बानी तो कुर्बानी करने वाले की तरफ से है, और जाहिर है कि कुर्बानी का एक हिस्सा एक ही आदमी की जानिब से हो सकता है, पांच आदमी की जानिब से या दो आदमी की जानिब से नहीं हो सकता है। तो आप ये सूरत है कि जब मस्कूरा सूरत एक हिस्सा कई आदमियों की ना जानिब से है तो ये कुर्बानी दुरुस्त नहीं हुआ। जानवर जबा हो जाने के बाद कुर्बानी की हिस्सा तब्दील करना जायज नहीं है। एक सवाल ये भी है कि पिछले दिन ईद उल अज़हा पर चंद अफराद ने मिलकर यानी हिस्से रखकर एक गाय की कुर्बानी करना चाहिए, इस तरह हिस्से रखकर गाय को जबा कर दिया गया, गाय को जबा कर दिया गया, गाय की जबा कर देने के बाद मस्कूरा अफराद में से एक आदमी ने जिसकी इस गाय में चंद हिस्से थे दूसरे अफराद से जिन्होंने पहले कोई ना हिस्सा रखा था कहा कि मैं हिस्सा नहीं रखना चाहता, लिहाजा मेरी जगह आप अपने हिस्सा रख लें। जबा हो जाने के बाद मेरी जगह पर अपने हिस्सा रख लें, क्या मस्कूरा शख्स, क्या ये शख्स जबकि कुर्बानी की नियत कर चुका है, अब सब ने मिलकर गाय जबा भी कर दी, बाद में अपना हिस्सा तब्दील कर सकता है? बात समझ में आ गई कि भाई गाय जबा कर ली, अब वह बंदा अपने हिस्से में से कह ठीक है भाई अब यह हिस्सा आप ले लो जबा करने के बाद, अब बाद में जो हिस्सा रखा कि उसकी कुर्बानी दुरुस्त हुआ? अपना हिस्सा तब्दील कर सकता है इन सूरतों में? और बाद में हिस्सा रखने वाले की कुर्बानी हो सकती है? जबकि हमारे गांव की इमाम साहब ने फरमाया कि इस तरह कुर्बानी नहीं होती, तो क्या है हमारे इलाका वाले जो कह रिया हमारे अपना मोहल्ला की जो कुर्बानी है अपना औरंगी टाउन वाले वो बोल रहे नहीं भाई कुर्बानी नहीं होगी,
तो मौलाना आप ये बताएं कि कुर्बानी होंगे या नहीं। अब कुर्बानी जबह हो जाने के बाद हिस्सा तब्दील नहीं हो सकता है, क्योंकि गाय जबह हो गया, कुर्बानी हो गई है, जिसकी जानिब से होना था वह हलाल हो गई है, नहर कर दिया आपने, और कुर्बानी सही होगी जिसकी बात जिसकी चंद हिस्से थे उसकी तरफ से इतने हिस्सों की कुर्बानी होगी, हिस्सा तब्दील नहीं हो सकता है। जितनी अफराद थे ना कुर्बानी सही होगी, चंद अफराद जो कुर्बानी कर रहे थे उनके हिस्सा सही होंगे, और अगर उसने हिस्सा दी दूसरे को उसकी कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी जबह हो जाने के बाद हिस्सा तब्दील नहीं हो सकता है, कुर्बानी सही हो गई, कुर्बानी सही हो गई जिसकी चंद हिस्से थे उसकी तरफ से इतने हिस्सों की कुर्बानी होगी। तो ये तरीका भी ख्याल करना है लोगों को, कुर्बानी जबह हो जाने के बाद हिस्सा तब्दील हो सकता, जबह होने से पहले हिस्सा तब्दील हो सकता था। अब कह दिया कि भाई हम आपस में मशवरा कर लेते हैं, एक हिस्सा इनको दे दी जाए, खरीदते वक्त भी इनके नियत थे कि भाई हम दूसरा हिस्सा भी शामिल कर सकते हैं, तो कोई हरज नहीं है, कुर्बानी हो जाएंगे, लेकिन जब जबह होने के बाद भी हिस्सा दे तो ये तो सही नहीं होगी, उनकी कुर्बानी हो गई है तो इसमें कोई हरज नहीं है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।